ये कैसा मार्गदर्शन कर रहे हो कृष्ण? 7 दिवस होने आए हैं और अभी तक हमारा आधा सामान भी नहीं बिक पाया है। कान्हा, तू हमारी चिंता का उपहास कर रहा है? कुछ अनर्थ हो गया तो? अबे हंसो नहीं तो और क्या करो, इतनी छोटी छोटी बात पे आप इतना भयभीत हो जाते हो। अरे तनिक सोचो, सोचो तो सही, हमारे पास अभी 3 दिन शेष है, क्यों चिंता कर रहे हैं आप सब? देखिए आप सब चिंता मत कीजिए, आज और कल में जितना सामान हो सके हम उतना बेचेंगे। इस शास्त्र से पुरुष और स्त्रियां विभाजित हो जाएगी। उसके पश्चात होगा दशहरा। दशहरा पर 108 गांव के लोग यहाँ पर आएंगे और जब वो यहाँ पर आए तो ये सारा सामान ऐसे एक चुटकी में बिक जाएगा। इस अस्त्र का उपयोग सही समय पर ही करना है। महाराज सही कह रहे थे, मुझे इस अस्त्र का प्रयोग उचित समय पर ही करना होगा। यदि यह अस्त्र चला तो इसे कोई विफल नहीं कर पाएगा। दाव, यदि कोई व्यक्ति इसे विफल नहीं कर पाया तो इसे व्यक्ति नहीं शक्ति विफल करेगी, राधा की प्रेम शक्ति। जानती हूं कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा। ये तुम कीचड़ के साथ क्या खेल रही हो, क्या मैं जान सकता हूं? मुझे कुछ ज्ञात हुआ है कृष्ण, आगे क्या करना है, कैसे बरसाना के पुरुष और स्त्री को मिलाना है, मैं समझ गई। अच्छा तो क्या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि अब तुम क्या करोगे? तुम ही कहते हो ना, तुम्हारा महादेव से सीधा संपर्क है, तुम्हें उनसे मिलना है, उन्हें बुलाऊं? तुम नहीं, मैं बुलाऊंगी उन्हें। तुम ही कहते हो ना कि मैं तुम्हारा ही भाग हूँ, तो मेरा भी महादेव से सीधा संपर्क हुआ ना। तुम कुछ अधिक ही सत्य समझने लगी हो राधा, अच्छा भी लग रहा है। हे महादेव, जिस प्रकार श्री राम की सहायता आपके अंश हनुमान जी ने की, उसी प्रकार मेरी भी सहायता कर दीजिए। मेरी इच्छा है कि सही समय आने पर आप बरसाना के सभी स्त्री और पुरुषों को मिलवा दीजिए ताकि हमारा हट सफल हो जाए। वाह, सीधे महादेव को बुला लिया, उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम।
महादेव, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? देवी राधा अपने अस्तित्व का पूर्ण सत्य जानने के अत्यंत निकट पहुंच गई। उन्हें अब धीरे धीरे सब समझ में आने लगा और आज तो उन्हें इस बात का भी आभास हो गया कि केवल श्री कृष्ण ही नहीं है, उनका मेरे साथ भी एक अटूट संबंध है, भाई बहन का संबंध। और आज उसी संबंध के नाते देवी राधा ने मेरा आह्वान किया। अर्थात आप जाएंगे? हाँ गौर, मैं अवश्य जाऊंगा। राधा कृष्ण की इस प्रेम गाथा में देवी राधा अपने अस्तित्व के पूर्ण सत्य को जानने के अत्यंत निकट अंतिम पड़ाव पर, और उनके इस अंतिम पड़ाव की गाथा में अपना पात्र निभाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। किंतु महादेव, आप ऐसे ही जाएंगे महादेव के रूप में? ऐसे नहीं गौरी, अपना एक नया रूप साकार करूंगा। कौन सा स्वरूप महादेव? देखिए तो माँ, आज कितना अधिक सामान भेजा है हमने। हाँ राधा, आज के प्रदर्शन को देखकर थोड़ी उम्मीद तो जागी है, किंतु एक असंभव सा कार्य अभी भी शेष है राधा। चिंता मत कीजिए माँ, जैसे आज का प्रदर्शन हुआ है कल का भी ऐसा ही प्रदर्शन होगा। अब देखिएगा, दशहरे से पूर्व हम अवश्य अपनी चुनौती पूर्ण कर लेंगे। कली हाट लगनी नहीं चाहिए। महाराज कंस के अस्त्र को आज ही मुक्त करना हो। शीघ्र ये स्त्रियां इस माया में फंस जाएंगी, जब वो बरसाने में रहेंगी नहीं तो चुनौती पूर्ण करने का तो प्रश्न ही नहीं होता। दाओ, कृष्ण, कृष्ण। अरे लड्डू, ये किस लिए? वो क्या है ना कि आज हमने बहुत अच्छा व्यापार किया और यदि ऐसे ही चलता रहा तो कल ही हम कंस की चुनौती को पूर्ण कर लेंगे और अगले वर्ष की कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, तो तुमने ये सब इसीलिए किया ताकि बरसाना कर मुक्त हो सके? इसीलिए नहीं, क्योंकि तुम्हें कृष्ण को कंस के पास ले जाने की चिंता हो रही थी, है ना? नहीं नहीं दाऊ, ऐसी बात नहीं है। सबसे अधिक चिंता तो मुझे कृष्ण की ही तो है। यदि कृष्ण को कंस के पास जाना पड़ता तो वो क्रूर कंस पता ही नहीं कृष्ण के साथ क्या क्या करता। किंतु मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अब कृष्ण को कंस के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरी इतनी चिंता क्यों? वो बात ये है कि बस बस कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझ चुका। अब एक काम करो, तुम जाओ, जाकर शीघ्र अति शीघ्र सो जाओ, बहुत रात्रि हो गई। कान्हा, अंत तो लग रहा है कि कहानी अब बस समाप्त होने ही वाली है। ऐसे कैसे दाव, आज नवमी, नवमी पर कहानी कैसे समाप्त हो सकती? अच्छाई की बुराई पर विजय का ये पर्व दशमी पर ही मनाया जाता है। ये कहानी भी विजय दशमी पर ही समाप्त हुई।